उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के बाद भी गौकशी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बिजनौर का है, जहां पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास 60 किलो गौमांस और अन्य सामान बरामद किया है। बता दें कि घटना सहसपुर कस्बे की है। पुलिस इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि सोमवार शाम को पुलिस को एक घर में गौवंश काटे जाने की खबर मिली थी। फिर क्या था, सूचना मिलते ही पुलिस सहसपुर पहुंची। पुलिस ने शेखान मोहल्ले के घर में अचानक से छापा मारा और मौके से गौकशी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही पुलिस ने वहां से 60 किलो मांस और दूसरा सामान भी जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि 5 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं 4 महिलाओं समेत 6 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। इसके लिए पुलिस ने 2 टीम भी गठित की। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है। थाना सिहारा के सहजपुर में गौकशी की एक घटना कल शाम को हुई थी। उसमें 12 अभियुक्तों को नामजद किया गया था, मीट भी बरामद हुआ था। 5 अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, इस्लामुद्दीन, गयासुद्दीन, हईम, सजाउद्दीन और वासिफ। 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 2 टीमें लगाई गई हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी अभियोग पंजीकृत होगा। 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियों को जब्ती कर लुटपुट करने की भी कार्रवाई कराई जाएगी। बता दें कि गौमांस मिलने की घटना अब कोई पहली नहीं है। इससे पहले भी मार्च के महीने में इसी तरह की एक खबर सामने आई थी। शादी में दावत के लिए गौकशी के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये घटना रामपुर में थाना टांडा क्षेत्र की थी। शादी वाले घर से 1 क्विंटल गौमांस बरामद किया गया था। जानकारी के मुताबिक दावत वलीमा के लिए परिवार गौकशी कर रहा था। एक मुखबिर की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची। घर को घेर कर आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब ये मामला सामने आया है। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करती है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।